सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज हम करवाने आए हैं R15 की फर्स्ट सर्विस और बारिश का टाइम है, बहुत गंदी हो रही है। गंदी भी नहीं कहूँगा मैं, बहुत गंदी चीज़ें कहते हैं, देख के लगेगा भी नहीं कि हाँ भाई एक महीना पुरानी है ये। किलोमीटर दिखा देता हूँ, देखो बिल्कुल 1000 ही चला के लाया हूँ, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ये देखो 1000 पे फर्स्ट सर्विस होनी थी, 1000 अभी रास्ते में आते हुए कम्प्लीट हो गए। तो आज करवाते हैं इसकी फर्स्ट सर्विस, देखते हैं भाई मतलब कितना खर्चा आता है। और तीन प्रॉब्लम आ रही है मुझे इसके अंदर, तीन, वो तीन रिजॉल्व करवाऊंगा। सर्विसिंग होने के बाद वो तीन क्या प्रॉब्लम है, कैसी है, क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें ठीक होने के बाद बताता हूँ। फिलहाल अभी इसको भेजते हैं अंदर, जॉब कार्ड वगैरह बनवाते हैं, आगे देखो भाई बना रहे हैं वहाँ पे, एंड फिर मेरा ही बनवाता हूँ और फिर इसकी देखते हैं सर्विसिंग में क्या टाइम लगता है, क्या स्टेटस रहता है यामाहा वालों के साथ। बजाज वालों के साथ तो बहुत बुरा था, अब यामाहा का एक्सपीरियंस देखना है कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बाइक की कुछ हेल्थ वगैरह चेक करेंगे, फिलहाल तो अभी गंदी हो रही है, वॉशिंग होगी, वॉशिंग होने के बाद अच्छे से चमक जाएगी। अब जैसे कि ECU वगैरह अपडेट होता है कुछ उस टाइप पे, पूरा अपना मैकेनिज्म कनेक्ट करके चेक करने वाले हैं, मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है यामाहा के अंदर। यहाँ पे इसकी सर्विसिंग डन हो चुकी है, जो बिल वगैरह है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लगभग 765 रुपये लगे हैं इसकी सर्विसिंग में, बट ये है यामाहा की सर्विस जो है सेटिस्फेक्शन वाली, एकदम परफेक्ट सेटिस्फाई करते हैं इनकी सर्विसिंग से। वो कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि भाई इनका जो मतलब सर्विस करने का तरीका है वो लिटरली बहुत पसंद आया। मैंने तीन प्रॉब्लम लिखवाई थी, एक बार चला के देखूंगा, तीनों प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होंगी तो ठीक है, और अगर नहीं हुई होंगी तो फिर देखते हैं अभी। बाकी ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने कर दिए ठीक, बाकी अभी एक बार पहले थ्रॉटल खोलते बाइक बता देगी कि हाँ भाई सर्विसिंग ठीक हुई है नहीं हुई है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार 765 रुपये की महंगी सर्विस है, अब वो महंगी नहीं है, वो कहते हैं वो मैं आपको एक बार इसका बिल दिखाता हूँ फिर समझ आएगा। तो देखो यार ये अपनी R15 का बिल है, ऊपर कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जिनको मैंने हाइड करा हुआ है। तो सबसे पहले तो ओवरऑल टोटल देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है 765 रुपये, जिसमें से भाई 415 रुपये का ये इंजन ऑयल है शायद से इनका, इंजन ऑयल ने यामाहा स्पोर्ट्स फुल्ली सिंथेटिक है शायद, SY मतलब सिंथेटिक होगा। तो ये इंजन ऑयल है और ये ऑयल क्लीनर हो गया अपना 148 का, और 84 रुपीज का क्या ये कोई सील मिल डाली होगी कोई, है ना, और शायद से अरे वो कूलेंट मोटो कूल शायद से कूलेंट होगा ये, हाँ बिल्कुल कूलेंट होगा ये, जो थोड़ा बहुत टॉपअप करना होगा। तो इन सब का बिल हुआ था 648 रुपीज, और ये 58 रुपीज का शायद इस पर टैक्स वगैरह लगा, ये जो लिखा हुआ ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो मेरा बिल हुआ 765 रुपये का है। अब भाई जो दिखाने वाली चीज़ है वो है यहाँ पर, और आप लोगों ने वीडियो में पहले भी देख लिया होगा अगर बिना स्किप कर रहे हो तो। ये जो आप ये चीज़ देख रहे हो ना, ये लोग अपना एक पूरा सिस्टम के ऊपर लगा के रखते हैं और ये पूरा चेक करते हैं। ये देखो बाइक को पूरा चेक करते हैं, वोल्टेज देखते हैं कितने हैं, इंजन का रेव करके देखते हैं सही है, और जब ये सारी चीज़ चेक करने के बाद रिजल्ट आता है ना नॉर्मल, इट मींस बाइक एकदम प्रॉपर है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत होगी नीड लिखा जाएगा, हाँ यहाँ पे लिखा आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे जो रिजल्ट है ना नॉर्मल नहीं आएगा, यहाँ पे जो नीड रिपेयर आएगा, नीड रिपेयर जो भी चीज़ में प्रॉब्लम होगी वो मेंशन कर देगा, सिस्टम के अंदर लगा के पूरा काम होगा। मैंने वीडियो में दिखाया हुआ वाला पार्ट जाके चेकआउट भी कर लेना, और ये इसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब चीज़ दिखाई है ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर लोगे समझ में आ जाएगा। तो यार मुझे नहीं लगता 765 की सर्विस महंगी है, मैं सेटिस्फाई हूँ ठीक है, अगर आपको लगता है महंगी वगैरह तो वो आप देख लेना। तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे हमारी बाइक की जो सर्विसिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी, फिर थोड़ा बारिश हो रही थी मतलब रात हो गया था, तो मैंने कहा इसको अगले दिन कंप्लीट करेंगे वीडियो को। तो बेसिकली जो मेरी सर्विस कॉस्ट वगैरह थी, मैंने आपको बिल वगैरह सारी चीज़ें दिखा दी थी, लगभग 765 रुपये के आसपास इसके अंदर लगे थे। मैं यामाहा की सर्विस से मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइज़, इतना इंप्रेस हुआ था उनकी, सिर्फ एक चीज़ ने ना पूरा मेरा मतलब कह सकते हो कि फीडबैक पलट के रख दिया है। मैं कहूँगा बजाज के मुकाबले यामाहा वाले सर्विस तो बहुत अच्छी करते हैं, बात भी सुनते हैं, पर यार आप एक बात बताओ मेरी बाइक के अंदर मुझे लग रहा है कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं एकदम सही है। इस बारे में मेरी बहुत बहस हुई है, इसके ऊपर एक मैं डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग जरूर से देखना।
मीन्स प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरी बाइक है, मैं इसको चला रहा हूँ, चलाते टाइम यार कोई भी बंदा होगा बाइक के हाथ तो छोड़ेगा ही ना, ऑब्वियसली कभी कभार तो छोड़ते हैं, जिससे कि बाइकें बिल्कुल सीधी चले। अगला बंदा मेरे से क्या बोल रहा है कि नहीं भाई यामा R15 V3 जितनी आ रही है ना उनका हैंडल छोड़ने पर लेफ्ट साइड को बाइक भागती है। भाई ये कौन सा सेंस बना कि लेफ्ट साइड की तरफ बाइक भागती है? अब अगर कंपनी बाइक बना रही है, स्पोर्ट्स बाइक है, एरोडायनामिकली बहुत ज्यादा बढ़िया, चौड़े चौड़े टायर है, फिर भी बंदा कह रहा है लेफ्ट साइड ये भागेगी तो भागेगी। मैंने कहा भाई ये कौन सा सेंस होता है? तो अगर आप में से कोई भी R15 V3 को ऑन करता है या यूज करता है, V3 है तो आपके पास, प्लीज कमेंट डाउन करके जरूर से बताना, और मैं उसके भाई यामा वाले के बंदे के मुंह पे जाके बोल के आऊंगा, कहूंगा या तो काम करना सीख ले, और अगर काम करना नहीं आता तो या तो नौकरी छोड़ दे। भाई एक बात सोचो, एक महीना पुरानी बाइक है, मैंने लेते ही सेकंड डे जाके मैंने बोला मेरी बाइक लेफ्ट साइड भाग रही है, तो क्या बोलता बंदा? सर्विस पे ठीक कर देंगे। सर्विस पगला क्या बोलता है? अब तो बाइक एकदम ठीक है, कल के दिन को इसका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, हैंडल में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तब मेरे पैसे लगेंगे, तब वो सब सही कर देंगे, मगर अभी उन्हें अंडर वारंटी फ्री में ठीक करना पड़ेगा या फिर टाइम देना पड़ेगा व्हीकल पे, वो चीज वो देना नहीं चाहते हैं यार। हद होती है किसी चीज की। मैंने बाइक दी, कह रहे एक दिन के बाद आ जाना, मैं एक दिन बाद चला गया, फिर उस दिन कह रहे कि अभी आज हमारे पास लेबर नहीं है, और एक दिन के बाद आ जाना। अब भाई डेली डेली मैं यही थोड़ी ना करता रहूंगा कि अब बाइक ही ठीक करवाता रहूंगा यार, मुझे और भी 50 काम होते हैं। अब भाई उनसे मैं बोल के आ गया, आप इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो जरूर देखना, उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बाकी तो यार देखो सर्विस वगैरह उन्होंने बाकी सारी चीजें तो ठीक कर दी थी, क्योंकि और सर्विस में कुछ खास होता भी नहीं करने वाला। क्लच में थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो ठीक कर दिया था, कि सेकंड गियर टाइट डल रहा था, पीछे वाला जो फुटरेस्ट है आवाज कर रहा था तो इसके अंदर ऑयलिंग कर दी थी इसमें, वो भी हो गई थी। बट जो मेन मेजर प्रॉब्लम थी वो चीज़ उनसे बेवकूफ़ों से ठीक नहीं करी गई, या फिर वो करना नहीं चाहते हैं। जेन्युइन बात जो है वो यही है कि वो करना नहीं चाहते हैं। दूसरी डीलरशिप देखूंगा और महिंद्रा में, यामाहा में कंप्लेंट डालूंगा, जब जाके कुछ बात बनेगी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल तो भाई सर्विसिंग का एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, बस इस एक चीज़ ने मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो है वो बेकार कर दिया। तो ये चीज़ पता नहीं कंपनियां क्यों नहीं समझते कि भाई कस्टमर का जो फीडबैक है, एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारी कंपनी के लिए जितना ज़्यादा बढ़िया होगा उतना फायदा तुम्हारा ही है। अब मेरे से वो फीडबैक लें एक बार, फिर मैं दूंगा उन्हें फीडबैक। तो आप लोग प्लीज़ इस बारे में जरूर नीचे एक बार कमेंट डाउन करके मेरे को बताना सारी स्टोरी की, मतलब क्या R15 V3 के अंदर ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को वो बंदा यूं कहता है कि मैंने खुद यामाहा में मेल डाली है, मैंने बात करी, ये करा वो करा। मैंने कहा तूने कद्दू कुछ नहीं करा, ज्यादा यहाँ पे मत पड़ा मुझे। खैर करते हैं इस वीडियो का एंड, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, और लगा हो तो लाइक कर देना, और कुछ क्वेश्चन करी वगैरह हो R15 की फर्स्ट सर्विस के रिगार्डिंग कमेंट डाउन कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा।